हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वन प्लस इलेवन आर 5G के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये फोन नया ही लॉन्च हुआ है और द शेप ऑफ पावर इसका देखने को मिल जाता है। और ये फ्रेंड्स दो कलर में आता है और इसका लुक बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और ये तीन कैमरा के साथ आता है और इसका तीनों कैमरा सोनी का देखने को मिल जाता है और एक फ्लैश देखने को मिल जाता है और आपको साइड में फोटो भी दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, ये इसका मतलब सर्कुलर डिजाइन में कैमरा है और बीच में आपको वन प्लस देखने को मिल जाएगा। और एक और कलर आता है ब्लैक, जो कि मेरे को थोड़ा अच्छा लगा वो। और हाइलाइट्स और ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर वन प्लस का सुपर फ्लूइड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि वन प्लस का आता है वो सब बतिया है कि है फ्लूइड नाम धर देगा, ओलेड नाम रख देगा, वो सब एमुलेटे है वो डीटीएच के मतलब भोकाल टाइट करने के लिए सब वो। और स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको 16 GB तक की रैम देखने को मिल जाती है और LPDDR5X रैम देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, जो कि फास्ट होगा। और आप यहाँ पर बहुत तगड़ा गेम खेल सकते हो, कौनो गेम चला सकते हो, एपेक्स लेजेंड है, पबजी सब एकदम चला सकते हो। और यहाँ पर 100 वाट का सुपर बूक देखने को मिल जाता है, जो कि वन प्लस के सभी फोन में देखने को मिलता है फ्रेंड्स। बूक चार्जिंग डबल बैटरी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। और यहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा आपको IMX890 का देखने को मिल जाता है, जो कि ट्रिपल कैमरा सेटअप है। तो फ्रेंड्स, ये फोन कर्व डिस्प्ले के साथ आता है और यहाँ पर 450 का PPI का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको 1450 नीट का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है और ये रिफ्रेश रेट आप सेट कर सकते हो, मतलब आप एडजस्ट कर सकते हो 40 से लेके 120 हर्ट्ज तक। फ्रेंड्स, इसका कैमरा बहुत ही फ्लेक्सिबल लेवल का है और यहाँ पर 120 डिग्री का आप वाइड एंगल फोटो ले सकते हो और 4cm का माइक्रो शॉट ले सकते हो। फ्रेंड्स, ये कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है, जो कि आप थोड़ा बहुत आप हिलेगा तो आपका वीडियो सेक नहीं होगा। और यहाँ पर आपको HDR मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि महंगा फोन है तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा इजीली। और आपको ऑक्सीजन OS 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, जो इसका डिस्प्ले है वो कर्व एमोलेड डिस्प्ले है और वो 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, जैसे कि अब मैंने आपको बताया। और यहाँ पर HDR 10 का एंड 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और सुपर एस प्लस एस RGB का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसका रेजोल्यूशन की बात करें तो 2772x1240 का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है और 450 PPI का आपको मतलब पिक्सल देखने को मिल जाता है। और एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो 20:1:9 का आपको एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हाइट की बात करें तो 16.34 cm का हाइट देखने को मिल जाता है और विड्थ की बात करें तो 7.43 cm का विड्थ देखने को मिल जाता है और थिकनेस की बात करें तो 0.87 cm का थिकनेस देखने को मिल जाता है। और फोन ये फ्रेंड्स थोड़ा सा हाइट मतलब वो वेट थोड़ा ज्यादा होगा और जो कि 204 ग्राम आपको देखने को मिल जाता है। इसके कैमरे से आप 4K में 60fps और 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और 120 मतलब पिक्सल में आप 60fps और 30fps रिकॉर्ड कर सकते हो, 70 में भी 120 मतलब 60fps और 30fps का वीडियो शूट कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट कैमरा में आप 1080 मतलब यहाँ पर आपको 4K का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये फोन महंगा फोन है और ये 40 से 50 हज़ार के रेंज में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देना चाहिए था 4K फ्रंट कैमरा में भी, लेकिन नहीं है। 120 मतलब 1080 पिक्सल का आपको देखने को मिल जाता है। 30fps में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और आप 720 पिक्सल में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रेंड्स, सेल्फी में आपको मतलब वो सभी सेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसमें आपको कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो सभी तरह के कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। कैरियर एग्रीगेशन वगैरह का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और ये 5G के 10 बैंड के साथ आता है, N1, N3, N5, N8, N28, N40, N41, N78 और N77, जो कि मोस्ट पॉपुलर है फ्रेंड्स, जो कि सभी में है। और यहाँ पर आपको डुअल वाईफाई का देखने को मिल जाता है, मतलब वाईफाई डुअल देखने को मिल जाता है, जो कि अब सभी फोन में आने लगा है। और यहाँ पर आपको 2.4 GHz और 5 GHz का दोनों वाईफाई देखने को मिल जाता है। और ब्लूटूथ की बात करें तो 5.3 आपको ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको सभी सेंसर देखने को मिल जाता है।
और स्टोरेज टाइप की बात करें तो आप यूएसबी 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है टाइप सी के साथ, और यहाँ पर आप ईयरफोन का जैक नहीं देखने को मिल जाता है, ईयरफोन एक्सेस कर पाएंगे आप लेकिन टाइप सी पोर्ट में ही कर पाएंगे, और डुअल नैनो सिम स्लॉट है। पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है जो कि ऊपर एक ईयर पीस में होगा और एक नीचे जो कि होता है, और यहाँ पर आपको नॉइज कैंसिलेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो अगर आपके पास हो तो ये कितना कारीगर है। और फ्रेंड्स बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक हैंडसेट देखने को मिल जाएगा वन प्लस 11R 5G, और एक 100 वाट का सुपर बूक चार्जर देखने को मिल जाएगा, और टाइप सी केबल और क्विक स्टार्ट गाइड और वेलकम लेटर, और यहाँ पर स्टिकर वगैरह देखने को मिल जाएगा, सिम इंजेक्टर टूल और वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।